स्कूलों में बच्चों को लाने वाले वाहन कई बार दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इसका कारण होता है वाहनों का अनफिट होना और क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाना। ऐसे वाहनों की समय समय पर जांच हो, इसके लिए जांच हेतु SDM को ज्ञापन सौंपा गया है। छिंदवाड़ा जिले के सभी स्कूलों में आने जाने वाली वाहन की जांच करने की मांग युवा नेता सागर बावरिया ने की है। बावरिया का कहना है कि स्कूल वैन में क्षमता से कई गुना अधिक बच्चों को बिठाकर स्कूल वाहन चलाए जाते हैं, जिससे लगातार दुर्घटना का डर लगा रहता है। बच्चों के पालकों को भी ध्यान देना चाहिए कि उस वाहन या वैन में कितने बच्चे आगमन करते हैं, वहां पूरी तरह फिट है या नहीं, ये जिम्मेदारी प्रशासन की भी है। इसीलिए युवा नेताओं के मंडल ने SDM को ज्ञापन देकर जांच करने की मांग की है। आज हम लोगों ने SDM महोदय जी को एक ज्ञापन सौंपा है और उसमें हमने मांग रखी है कि जो स्कूल में जो हमारे बच्चे जाते हैं वो स्कूल वैन, ऑटो, मैजिक, ऐसे कई संसाधनों से हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, उस ऑटो में कितने बच्चे हमारे जाते हैं, क्षमता से बहुत अधिक उस ऑटो में ऑटो चालक बच्चों को बिठालते हैं और एक बड़ी घटना ऐसा होने से हम लोग उससे बचे। ये हम लोग ने आज SDM महोदय जी से ज्ञापन के माध्यम से निवेदन किया है कि वो पुलिस प्रशासन और स्कूल प्रबंधक को आदेश करें और हम लोग भी पालक लोग जो हमारे बच्चे जो जाते हैं उस पर हम लोग भी उसमें अमल करेंगे कि हम लोग भी उसको जरूर ध्यान आकर्षित करेंगे कि हमारे बच्चे जिस ऑटो जाते हैं उस ऑटो में क्षमता के अनुसार ही बच्चे जाएँ और सुरक्षा के क्या क्या उन्होंने ऑटो चालकों ने सुविधा बनाई है उसे भी हम लोग ध्यान दें। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।